गाइस फाइनली ये हेलमेट है और इसको मैं अपना लगा के देखता हूँ गाइस। हेलो गाइस, बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स। एंड अभी हम लोग अंबेडकर चौक के पास और गाइस आज जाने वाले हैं हेलमेट लेने के लिए। मैं बहुत ही समय से सोच रहा था कि नहीं मेरे पास एक हेलमेट हो। और गाइस बता दूँ, जो मोटो ब्लॉगिंग करते हैं उसके पास तो यार एक हेलमेट रहना ज़रूरी है। और यार मैं बहुत ही समय से सोच रहा था कि नहीं मैं हेलमेट लूँ, क्या कि मैं कहीं पर भी ब्लॉगिंग करने के लिए जाता था गाइस तो यार हम लोग दो लोग जाते थे और मेरे घर साइड बस दो लोग ही अच्छे से वीडियो बना पाते हैं, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे, और दूसरे लोग से करवाने का मन नहीं करता है गाइस। और दो ही लोग, कभी उन लोगों को काम पड़ जाता है तो यार मैं अकेले ही ब्लॉग शूट करता हूँ, एक हाथ से बाइक चलाता हूँ एक हाथ से ब्लॉगिंग करता हूँ, तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गाइस। और यहाँ पे है गांधी चौक, गांधी चौक से हम लोग को जस्ट लेफ्ट की ओर मुड़ना है गाइस। मैं बता दूं यार, तो अंबिकापुर में मैं हेलमेट दुकान नहीं देखा था, पर मेरे दोस्त लोग से मैं बात किया, उन लोग बताए मेरे को कि नहीं है जोड़ा पीपल के जस्ट सामने में, तो वहाँ पे ही मैं स्कूल स्कूल जाता था तो मैं देखता था, पर मेरे को दिखाई नहीं दिया। मैं ध्यान से वहाँ पर देखा तो मेरे को दिखाई दिया वहाँ पर हेलमेट दुकान है, एक बाइक वाले मतलब कि बना रहे थे वहाँ। उन लोग से पूछा यहाँ पे हेलमेट दुकान है कि नहीं, तो उन लोग बताए कि ओ वाला हेलमेट दुकान है, तो मैं देख पाया गाइस और मैं वहीं पे जा रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे ट्रैफिक है और राइट की ओर चौपाटी है, तो गाइस वहाँ से हम लोग निकल चुके और जस्ट सामने में चौपाटी है, चौपाटी से आगे हम लोग को मिलेगा जोड़ा पीपल, जोड़ा पीपल से जस्ट सामने में ही हेलमेट दुकान है गाइस, तो वहाँ पर जाके अपना हेलमेट लेंगे गाइस। गाइस ए है जोड़ा पीपल और यहाँ से हेलमेट दुकान ज़्यादा दूर में नहीं है गाइस, राइट की ओर आप लोग मुड़ोगे उसके बाद जस्ट सामने में आप लोगों को हेलमेट दुकान मिल जाएगा गाइस। फाइनली गाइस शॉप पे आ चुके हैं और ये है हेलमेट दुकान, वहाँ पे मेरा NS बाइक, और चलते हैं आगे और भैया लोग से पूछते हैं, मेरे को वेगा का हेलमेट लेना है और देखते हैं आगे जाके गाइस। गाड़ी चल रही है, चलते हैं पार होते हैं आगे। जस्ट यहाँ पे दुकान और सामने में देख सकते हैं पूरा ही हेलमेट पड़ा हुआ है। यहाँ का यहाँ पे भैया हैं, भैया हेलमेट मिल जाएगा वेगा का? कौन कौन सा कंपनी है यहाँ पे? यहाँ पे हर चीज का हेलमेट मिल जाएगा गाइस, आप लोग देख सकते हैं और मैं देखता हूँ मेरे को कौन सा पसंद आता है इसमें से हेलमेट। इधर देख सकते हैं गाइस ये वेगा का और बहुत ही प्यारा लग रहा है, मैं इस हेलमेट को लूंगा। और इधर भी पूरा हेलमेट पड़ा हुआ है वेगा। इधर देख सकते हैं एग्जॉस्ट गाइस। फाइनली हम लोग शॉप पे आ चुके हैं और इधर पीछे भैया हैं और मेरे को पसंद आया है वेगा का हेलमेट, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसी को डन करूंगा और भैया लोग से रेट पूछता हूँ और पूछता हूँ यहाँ पे आएंगे तो कुछ डिस्काउंट होगा या नहीं। भैया बता दीजिए यहाँ पे आएंगे तो डिस्काउंट होगा या नहीं? हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट। और उस वेगा का हेलमेट को भैया ने डिस्काउंट करके मेरे को दे रहे हैं, तो अभी मैं उसको लूंगा गाइस, तो चलो दिखाते हैं आगे हेलमेट को। गाइस फाइनली ये हेलमेट है और इसको मैं अपना लगा के देखता हूँ गाइस। बहुत समय से मैं सोच रहा था हेलमेट लूंगा, पर फाइनली आज ले रहा हूँ गाइस।
यहाँ पे सामने में मेरा बाल दिखाई दे रहा है, इसको मैं ठीक कर लूंगा। और कुछ लुक ऐसा लगता है, फाइनली गाइस देख सकते हैं वेगा का हेलमेट और मैं इसको डन कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना जो माइक है उसको यहाँ पे हम लोग होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग को दिखाऊंगा घर जाके गाइस, इसको फाइनली अभी लेते हैं। फाइनली गाइस हम लोग हेलमेट लेके आए, उसके बाद जो पार्टी पे आ चुके हैं और चलते हैं कुछ खा पी लेंगे, उसके बाद डायरेक्टली घर जाएंगे। सामने में मेरा एनएस आप लोग देख सकते हैं और अभी मैं हेलमेट खोलता हूँ, अभी फिलहाल लगाया हूँ। आपको पार्टी का नज़ारा दिखाएंगे गाइस, अभी कुछ खाएंगे उसके बाद जस्ट जाएंगे घर, ज़्यादा अंधेरा भी हो रही है। फाइनली गाइस हम लोग तो पार्टी पे आए हैं और आप लोग देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और अभी यहाँ पे कुछ खाएंगे उसके बाद जस्ट जाएंगे आगे की ओर, जस्ट देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस देखने में। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से डिसाइड करेंगे क्या हम लोग को खाना है। आप लोग देख सकते हैं क्या ऑर्डर करें, अभी देखेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। हम लोग डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद आप लोग से मिलते हैं गाइस। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं दो सोया चिल्ली खाएंगे, उसके बाद जस्ट घर जाएंगे। यहाँ पे मेरा हेलमेट, फाइनली गाइस मैं हेलमेट लेके आ चुका घर। और कल अंधेरा हो गई तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया, आप लोग देख सकते हैं पीछे हेलमेट। आज सुबह हो रही है, आज मैं दूसरे दिन कंटिन्यू अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और गाइस आप लोग देख सकते हैं पीछे मेरा हेलमेट वेगा का। और गाइस प्राइस उसका कितना पड़ा मैं लास्ट में बताऊंगा गाइस। और मैं बहुत ही समय सोच रहा था नहीं मैं हेलमेट लूँ, पर फाइनली मैं हेलमेट ले चुका। पर यार मोबाइल माउंट करने के लिए उस शॉप पे नहीं था, तो मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग मेरे चैनल पर बहुत ही तबाही वाला मिलेगा गाइस। गाइस मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो यार पूरा चीज़ को मैं कैप्चर नहीं कर पाता हूँ, पर मेरे पास हेलमेट आ चुका है, बस मेरे को माउंट लेना है। माउंट लेने के बाद मैं आप लोगों को पूरा ही आप लोगों को नज़ारा दिखाऊंगा पूरे अंबिकापुर का, और कहीं घूमने जाऊंगा और लंबा जाऊंगा गाइस, पूरे छत्तीसगढ़ का दिखाने का कोशिश करूंगा। बाहर भी कहीं जाऊंगा घूमने के लिए उसको भी दिखाऊंगा, पर बाइक से नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास अभी मेरा उम्र भी कम हो रहा है गाइस। और ये देख सकते हैं हेलमेट, मैं इसका आप लोगों को सनमेटिक शॉट दिखाता हूँ, तो चलो देखते हैं। ये है मेरा हेलमेट, आप लोग तो सनमेटिक शॉट देख ही लिए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस। वेगा पीछे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो गाइस यार वीडियो ही संत करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यार जितना हो सके उतना सपोर्ट करो यार। आपके भाई इतना ज़्यादा मेहनत करता है आप लोग के लिए और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो देखते हो पर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, टाटा बाय बाय।